ये कहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, क्लियर है? एंगल जहाँ 90 डिग्री से बड़ा होगा वहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव, और जहाँ एंगल 90 डिग्री से कम होगा वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। पता है ना, स्लोप से बताए थे हमने सवाल, याद है या भूल गए? और ये ग्राफ किस कौन से फिनोमेना को दिखाता है? सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा टेम्परेचर को कम करने पर। बाकी प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको करा दी थी, आप लोगों ने अपने आप से किए सॉल्व, किए हैं? करते रहना, नहीं तो फायदा नहीं होगा कुछ भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो। ठीक है, मतलब रिवीजन बैच का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दवाई पिला दूंगा तुम लोगों को, पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर भी। बोलो क्यों, ऐसे कैसे दे देंगे टेस्ट के ये वाले भाई? क्यों, इस बार टेस्ट तुम्हारा रिवीजन से बाहर था क्या? जब वही है उसके अलावा कुछ है ही नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उसके अंदर। चलो, ये सारी प्रॉब्लम जो हमने आपके सामने दिखाई है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, 1 मार्क्स में आप लोगों से पूछी जाएंगी। अब एक एक प्रॉब्लम को आपको ध्यान से देखना है, 5 प्रॉब्लम है आपके सामने, करें स्टार्ट। नंबर 1 प्रॉब्लम देखिए क्या है, ड्रॉ द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर कीपिंग लेंथ एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। देखो बेटा ध्यान से बात सुनो, हमें ग्राफ प्लॉट करना है रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच में, रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच में ना हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब कैसा ग्राफ बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में जो कंडीशन है वो ये है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पता है या नहीं है? अब उसने कहा कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने से रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। उसने कहा कि लंबाई भी कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, समझ आ रही बात? तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने लिख दिया है के, ठीक है। एरिया को हम लिख सकते हैं पाई डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वैसे तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने रेडियस को डायमीटर के टर्म में लिख दिया, रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर, यानी रेडियस की जगह हम लोगों ने लिख दिया डी बाय 2, तो ये बन गया डी स्क्वायर बाय 4। तो बताओ आर में और डी में कैसा रिलेशन बन रहा है, आर में और डी में कैसा रिलेशन बन रहा है? हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। बताओ बन रहा है या नहीं बन रहा है? अरे समझ आ रही है बात? और अगर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो भी स्क्वायर के, तो बेटा रेजिस्टेंस और डायमीटर में जो ग्राफ बनेगा वो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा, ये रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच में बनने वाला ग्राफ। भाई टाइम से क्यों नहीं आते हो आप लोग, मुझे ये बताओ, अगर कल 3 बजे पूरे नहीं आए आप लोग तो मैं ये गेट बंद कर दूंगा यहां से। जब क्लास आपको पता है ना 3 बजे स्टार्ट होनी है, या मैं लेट करता हूँ क्लास स्टार्ट, पूरे 3 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो पूरे 3 बजे आप क्लास के अंदर आ जाए, मैं उसके 5 मिनट भी अगर आप लेट आए तो घर जाएंगे वापस, ध्यान रखेगा कल आप। रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच में ये रिलेशन हमारा बनेगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, आर और डी के बीच में ऐसा ग्राफ हमारा बनने वाला है, समझ आ गई बात? तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों से 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि रेजिस्टेंस और डायमीटर या रेडियस कैसा ग्राफ आप लोगों का बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया ना हमने कैसे बनाया? ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 में, यानी प्रॉब्लम नंबर 13 में। ठीक है, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो बेटा किसकी बात हो रही है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, और किसकी रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, कॉपर की रेजिस्टिविटी की बात हो रही है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन अ ग्राफ, यानी कॉपर क्या एक मेटल है या नहीं है? अरे बोलो यार मेटल है या नहीं है? तो कॉपर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगी आपको ये बताना है, यानी कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी कम होगी तो कैसे बढ़ेगी, ये सारी बातें आपको यहां बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बेटा प्रॉब्लम नंबर 13 का आंसर क्या होगा आपके पास में, वाई एक्सिस पर है रेजिस्टिविटी और एक्स एक्सिस पर है हमारे पास में टेम्परेचर। अगर हम देखें तो ग्राफ
कुछ ऐसा बनने वाला है, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, तीन मेटल हमारे पास में ऐसी होंगी जिनके लिए रेजिस्टिविटी, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी और टी का मतलब है टेम्परेचर, उनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर और यह है सेकंड पार्ट का आंसर, ध्यान रखिएगा। अब कॉपर के अलावा अगर वो किसी और का नाम लेता है तो कौन से नाम हो सकते हैं, एल्यूमिनियम हो सकते हैं या आयरन हो सकता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए भाई, टाइम से आए आप लोग, 3 बजे की क्लास का मतलब है 3 बजे, ठीक है। भानु कल से टाइम से आओ, पूरे 3 बजे आओ क्लास के अंदर, जल्दी से नोट डाउन करिए। समझ आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच का ग्राफ हमारे पास में ये वाला है, और ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, किसके लिए है, कॉपर, एल्यूमिनियम। और इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं बेटा, अगर यही ग्राफ एलॉय के लिए होता, और एलॉय भी हमें कौन सी दी रखी है, ध्यान से, एलॉय हमें दी है नाइक्रोम, कौन सी दी है, निकिल प्लस क्रोमियम। ग्राफ आपके सामने जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच बनने वाला ग्राफ ये है, समझ में आ रही बात, और मेटल के लिए बनने वाला ग्राफ ये है, ये मेटल के लिए है और ये एलॉय के लिए है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, मतलब सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं इसमें। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, दोनों क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि कैसा ग्राफ का प्रॉब्लम बनेगी आपके पास में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 पर बेटा हम लोग आते हैं, और देखिए प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच। देखो मैं आपको बताता हूं यार थोड़ा सा रो के बारे में, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। क्या होती है रेजिस्टिविटी भाई, रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी अगर मैं कहूं कि वो करंट के पाथ में जो अपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है, उसे दिखाने के लिए हम रेजिस्टिविटी का यूज करते हैं। यानी रेजिस्टिविटी का हम सीधा सा यूज करेंगे कि कौन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और कौन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इस चीज को दिखाने के लिए हम रेजिस्टिविटी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। जिस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा, और जिस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कम होगी, समझ आ रही बात आप लोगों को, वो हमारा गुड कंडक्टर की कैटेगरी के अंदर आएगा। अभी जो रेजिस्टिविटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक फैक्टर का नाम है टेम्परेचर और एक फैक्टर का नाम है नेचर, मटेरियल का नेचर कैसा है, और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ना तो ये लंबाई पर डिपेंड करती है, समझ में आ रही बात, ना ये मोटाई पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये किसी मेटल का बना है, ठीक है, मान लो कि ये कॉपर का बना है, अगर मैं इसे स्ट्रेच कराकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दूं, क्या ये कॉपर से एल्यूमिनियम बन जाएगा, रहेगा तो कॉपर ही, समझ में आ रही बात। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उस मटेरियल के नाम के ऊपर कि वो कहां से मिलकर बना है, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, आयरन से, निकल से, समझ में आ रही बात आप लोगों को। अब प्रॉब्लम में आपको कहा कि भाई हमने उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, कितना कर दिया बताओ, रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कहोगे सेम, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने से या मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, समझ में आ रही बात। रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट किन किन की वजह से पड़ता है, 2 चीजों की वजह से, एक टेम्परेचर और एक नेचर, ठीक है, और ये दिखाता है गुड कंडक्टर को या बैड कंडक्टर को। जिसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है वो बैड कंडक्टर है, और इसके लिए कम है वो कैसा है, गुड कंडक्टर। जैसे लास्ट वाला पॉइंट आपको दे रखा है, देखो बेटा ध्यान से लास्ट वाले पॉइंट पर आप गौर करिए, ये भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ओम सेंटीमीटर, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक रेजिस्टिविटी ये है और एक रेजिस्टिविटी ये है, समझ आ रही बात, 3 रेजिस्टिविटी है हमारे पास में। दिस इज रो 1, यह है हमारे पास में रो 2 और यह है हमारे पास में रो 3, 3 वैल्यूज हैं हमारे पास में। आपको बताना है कि इन तीनों में से गुड कंडक्टर कौन है और बैड कंडक्टर कौन है, बहुत ही आसान, हम कहेंगे जिसके लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा है,
यानी उसके रास्ते में, उस करंट के रास्ते में ओपोजिशन ज्यादा ऑफर्ड हो रही है, तो वो एक बैड कंडक्टर है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो एक अच्छा कंडक्टर है। बताओ तीनों में से सबसे कम रेजिस्टिविटी कौन सी है यहाँ पर, यह है या नहीं है, और ये किसके लिए है, यानी ये सबसे अच्छा कंडक्टर है। समझ में आ रही बात? उसके बाद कौन है, कॉपर की वैल्यू उससे कम है। समझ में आ रही बात? ये सिल्वर से थोड़ा सा कम लेवल का कंडक्टर है। समझ में आ रही बात? और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, कॉन्स्टेंटन एलॉय होता है ये। समझ में आ रही बात? कितनी है कॉन्स्टेंटन की रेजिस्टिविटी, 48 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ये है, हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टेंटन एलॉय होगा या मेटल होगा, पीरियोडिक टेबल में है कॉन्स्टेंटन नहीं है, तो इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे बैड कंडक्टर है। उसके बाद कौन है, कॉपर, और सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है यहां पर, सिल्वर। रेजिस्टिविटी से हम इस बात का पता लगाएंगे। क्लियर हो गई ना बात? तो चार क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, 12, 13, 14 और 16। अब आ जाते हैं हम लोग 15 पर। बताओ 15 का क्या आंसर होगा, सेम। यहां क्या चेंज कर रहे हो, आपने 14 में क्या चेंज किया था, 14 में आपने लंबाई को दोगुना कर दिया। अरे भाई, लंबाई को दोगुना करने से कॉपर कुछ और थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो कॉपर ही। अगर आप उसकी मोटाई को बढ़ा दोगे तब भी वो कॉपर ही रहेगा। तो ना तो लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होनी है, और ना एरिया को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होनी है। रेजिस्टिविटी सिर्फ चेंज होगी किस केस में, जब आप मेटल को ही चेंज कर दोगे, या उसका टेम्परेचर राइज कर दोगे, या टेम्परेचर क्या कर दोगे, डाउन कर दोगे। क्लियर हो गई बात? रेजिस्टिविटी कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, ओनली टू। नंबर वन टेम्परेचर, नंबर टू नेचर ऑफ मटेरियल। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो कैसा कंडक्टर है, बैड, और जिसकी कम है वो कैसा है, गुड। समझ में आ रही बात? और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार फैक्टर पर। रेजिस्टेंस चार फैक्टर पर डिपेंड करेगा। नंबर वन फैक्टर है लेंथ, क्या है, लंबाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नंबर टू है एरिया, मोटाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नंबर तीन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल और एलॉय का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और नंबर चार नेचर है, जैसे हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, जिसके लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो कैसा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, जिसके लिए कम है वो गुड कंडक्टर है। वैसे ही रेजिस्टेंस में है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो बैड कंडक्टर है, जिसका कम है वो गुड कंडक्टर है। क्लियर हो गई बात? तो ये बताइए 12 क्लियर हुआ बेटा, ग्राफ हमने बनाया। 13 क्लियर हुआ है, 13 में दो ग्राफ बना दिया आपको मैंने, एक तो कॉपर का बना दिया, एक नाइक्रोम के लिए भी मैंने आपको बना दिया। 14 और 15 एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है एग्जाम के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, लंबाई या मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लंबाई या मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और 16 में हमने आपको बता दिया कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। क्लियर हो गई बात? रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक। क्लियर? एनी डाउट? ओके, देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास में ये, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को, उसने हमें क्या कहा है जरा देख लेते हैं। द वोल्टेज करंट वेरिएशन ऑफ टू मेटेलिक वायर्स एक्स एंड वाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट, एज शो इन द फिगर, एज्यूमिंग दैट द वायर्स हैव द सेम लेंथ। बेटा लेंथ भी कैसी है और डायमीटर भी कैसा है, मोटाई भी सेम, लंबाई भी सेम, एरिया भी सेम और लंबाई भी सेम। क्लियर हो गई बात? ओके, एक्सप्लेन विच वायर विल हैव अ लार्ज रेजिस्टिविटी। लार्ज, यार एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ होता है या नहीं होता है, ये बताओ। एल लंबाई, उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कह दिया, एल क्या है, एल क्या है, कॉन्स्टेंट, दोनों की सेम है तो कॉन्स्टेंट है लंबाई। एरिया भी क्या है, यानी रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। बताओ समझ आया नहीं आया? तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा स्लोप से, कहां से निकालेंगे, निकालिए स्लोप, स्लोप माने टेन थीटा, और स्लोप निकालने का तरीका है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन है, एक्स एक्सिस पर कौन है, तो ये बन गया आई अपॉन वी। रेजिस्टेंस आई अपॉन वी होता है या वी अपॉन आई होता है, तो आई अपॉन वी को हम क्या लिखेंगे, आर में और थीटा में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली, यानी जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम,
और जिसका एंगल कम उसका रेजिस्टेंस, बताओ किसका एंगल ज्यादा है और एंगल कम किसका है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ, हमने जस्ट अभी पढ़ा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और किसकी रेजिस्टिविटी कम है, वाई की रेजिस्टिविटी ज्यादा है और एक्स की रेजिस्टिविटी कम है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसा लेकिन हम सिर्फ उसी स्थिति में कह सकते हैं जब लंबाई और एरिया कॉन्स्टेंट हो। समझे ना हमने क्यों कहा ऐसे, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। हमने स्लोप से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, करिए नोट। ओके, हो गया बेटा, कल तुम्हारी डेटशीट आ रही है बच्चों, देखो 31st में आ रही है ना डेटशीट तुम्हारी, ठीक है। द करंट वोल्टेज ग्राफ, पहले ये बताओ कि ग्राफ किसके किसके बीच में है, करंट और वाई एक्सिस पर है करंट, एक्स एक्सिस पर है वोल्टेज। इसमें फिगर दिया हुआ था, मैंने फिगर नहीं बनाया है, मैं फिगर बना रहा हूं आपके सामने। ग्राफ ना बेटा कुछ ऐसा था हमारे पास में, यह है करंट और यह है वोल्टेज, दो लाइन बनी हुई है आपके सामने ऐसे, ठीक है, यह है एक्स और यह है वाई, ठीक, कुछ ऐसी कंडीशन है। इसका जो टेम्परेचर है वह है T1, इसका जो टेम्परेचर है वह है T2। क्लियर हो रही बात? आपको दो तीन चीजें बतानी है इसके अंदर, एक तो ये बताना है कि बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है, एक तो हमें ये बताना है। एक हमें यह बताना है कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाता है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एक हमें यह बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। और एक हम वही बता देते हैं जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, अगर लंबाई और एरिया सेम है तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तुम्हें पता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा। समझ में आ रही बात? अब कैसे करेंगे, पहले स्लोप निकालो बेटा। स्लोप का मतलब है एंगल, यानी टेन थीटा, और वो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से। कहां से बनेगा बताओ, स्लोप कैसे निकलेगा मुझे ये बताओ, किसको किससे डिवाइड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू i अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r में, और एंगल में कैसा रिलेशन है, यानी जिसका एंगल कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा और जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। सो हम क्या कहेंगे, ry इज ग्रेटर देन ऑफ rx, कहेंगे या नहीं कहेंगे? अच्छा, अगर लंबाई और एरिया सेम है तो rho y इज ग्रेटर देन ऑफ, बेटा ध्यान रखना जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसी का टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि मेटल के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसी का टेम्परेचर ज्यादा, जिसका कम उसका टेम्परेचर कम। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वैसे यहां तो हम लोगों से नहीं पूछा है, वहां क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टेंस मिनिमम। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर वाई है ना, आर वाई, ये दो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। वहां प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जो आर एक्स है, आर एक्स, ये दो रेजिस्टेंस के कौन से कॉम्बिनेशन को दिखाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, आर वाई। ये काहे को रिप्रेजेंट करेगा, सीरीज, और ये काहे को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल। अरे क्लियर हुआ? एक दिखाएगा सीरीज को और एक काहे को दिखाएगा। ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जा सकती है, बताइए बताएंगे नहीं बताएंगे। अच्छा, एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी, बेटा इस कैपिटल जी का नाम होता है कंडक्टेंस। क्या नाम होता है? एंड ये जो होता है ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कई बार ना ग्राफ देकर आपसे ये पूछ लेंगे, बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा है किसका कम है, बहुत आसान। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, कम किसका है,
कंडक्टेंस उसका उल्टा हो जाएगा। कंडक्टेंस की वैल्यू 1/r है या नहीं है, तो कंडक्टेंस बताओ किसका ज्यादा होगा, कंडक्टेंस x का ज्यादा होगा और कम किसका होगा, y का। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। इन सारी चीजों को ना अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर लिखते रहना, जिससे कि तुम याद रखो इन्हें, एग्जाम के टाइम पर तुम्हें अच्छे से याद रहे बिल्कुल, ठीक है? जब तुम्हारा ये चैप्टर वाइज रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, हमने आपके लिए लगभग 20 सैंपल पेपर तैयार किए हैं, 20 सैंपल पेपर। जब ये चैप्टर वाइज रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लगभग 2 से 3 दिन एक पेपर को देंगे, ठीक है? और पूरे सिलेबस का फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी तो हम चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, आपको तो पूरा कंप्लीट पूरा पेपर देना है, फिर हम पेपर के हिसाब से रिवीजन करेंगे। पूरा पेपर आपके सामने यहाँ सैंपल पेपर खोल देंगे, ठीक है? उसमें रैंडमली कहीं से पूरे सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, उन्हें फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग उसमें। ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को? कलर कोडिंग कितने लोगों से आता है ये बताइए, आता है कलर कोडिंग? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, आता है या भूला गए भाई? भूल गए? चलो अच्छा किया। देखो हाँ, क्या कह रहे हो, सिलेबस में नहीं है, फिर क्यों पढ़ा है? छोड़ो, नहीं है सिलेबस में, छोड़ो। तो तुम पहले से तैयार हो कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं? गुड, ये भी वही है। देखो भाई, कोविड की वजह से तुम्हें फायदा हुआ, वैसे इस बार फायदा नहीं हुआ तुम्हारा, एक महीना तुम्हारे एग्जाम पीछे हट जाएंगे, कम से कम 15-20 दिन तो पीछे जाएंगे जाएंगे तुम्हारे एग्जाम। दूसरा, तुम्हारा सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया। तीसरा, तुम्हारा पेपर लड्डू आना है बिल्कुल। हुआ या नहीं हुआ? हार्ड नहीं आएगा, बहुत बहुत मुश्किल चांसेस है। अरे वैसे तो हार्ड तुम्हारे लिए तो सभी हार्ड है, है भाई? देखो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो बेटा, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वेरीज अलोंग इट्स लेंथ एज। रेजिस्टिविटी बेटा हम लोगों को गिवन दे रखी है और वो ये है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 plus alpha x, ठीक है? ये रेजिस्टिविटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है? डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, ठीक है? देखो बेटा, हमारे पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या? हमारे पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, समझ रहे हो? लेकिन ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टिविटी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत छोटे से पीस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एलिमेंटल पार्ट के लिए। 11th 12th में खूब डेरिवेशन हमने करी, एक छोटे से पोर्शन को लेते थे फिर इंटीग्रेट कर देते थे हम लोग, ठीक है? तो हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेट कर दिया, क्या नाम दिया इसे, और हमने इसे लिखा डी आर इज इक्वल टू रो, ठीक है? हमने एक छोटी सी लंबाई लेट कर दी, उस लंबाई को हमने नाम दिया डी एक्स, क्या नाम दिया? और एरिया उसने क्या रखा है, एरिया यूनिफॉर्म है। एरिया कैसा है, कहां गया एरिया यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो हमने एरिया लेट कर दिया है इसका ए। बताओ जल्दी से इतना समझ में आया है नहीं आया? एक छोटी सी लंबाई हम लोगों ने लेट कर दी, ठीक है? हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू यहां रखेंगे और पूरी लंबाई को लेकर इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर एल तक, ठीक? तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास में, देखो, डी आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है, रो नॉट 1 plus alpha x अपॉन में है एरिया और यहां है dx। हमने दोनों तरफ कर दिया है बेटा इंटीग्रेट, लिमिट रखी हमने 0 से लेकर l, यहां रखी 0 से लेकर r, ठीक है? dr का इंटीग्रेशन हो गया है r, रो नॉट कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, ab कांस्टेंट है बाहर रखेंगे,
वन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स आएगा, ओके अल्फा ये क्या है एक्स, और इसकी पावर कितनी है एक्स की पावर वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू, पावर में एक ऐड हो जाएगा, ऐड होकर जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां एल पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा रो नॉट अपॉन ए, अंदर बचेगा हमारे पास में एल प्लस एल स्क्वायर बाय टू, और साथ में क्या है यहां पर अल्फा, ये बन गया हमारे पास में रेजिस्टेंस। आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसी कंडीशन हमें दे रखी है बेटा, मान लो कि ये पूरा वायर है हमारे पास में, वायर x बराबर 0 से स्टार्ट होकर x बराबर l तक जा रहा है, ठीक है, रेजिस्टिविटी हो रही थी चेंज, हमने इतनी लंबाई लेट की और इस लंबाई को हमने क्या नाम दिया, ठीक है, इसका एरिया हमें दे रखा है कांस्टेंट, एरिया हमें क्या दे रखा है, और वो एरिया कितना है आपके पास में a, और रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है इस रिलेशन से रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। तो मैंने इतने छोटे से पीस का रेजिस्टेंस क्या लेट किया, डी आर, क्या लेट किया, समझ में आ रही बात, ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इतने छोटे से पीस का मैंने रेजिस्टेंस माना डी आर, कितना होगा डी आर मेरे पास में, डी आर इज इक्वल टू रो, इस छोटे से पीस की लंबाई कितनी है और इसका एरिया कितना है ए, समझ में आ रही बात, सो डी एक्स अपॉन ए, रो की जगह रखा, इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट करी, आंसर बन गया, ठीक है, कर लीजिए नोट ऑन। ये जो नीट देने वाले बच्चे हैं ना, ये कलर कोडिंग पढ़ लेना तुम लोग, हर साल आ रहा है क्वेश्चन नीट में इसके, इससे कलर कोडिंग से, पिछले 3-4 साल से हर बार क्वेश्चन बन रहा है कलर कोडिंग से एक, ठीक है। हो गया, तो भैया एक पोर्शन का रिवीजन हो गया हमारा फिनिश, ठीक है, ये पोर्शन कौन सा है, ओम्स लॉ तक का जो पोर्शन है हमारा, ठीक है। अब जो पोर्शन हमारा चलेगा वो क्या होगा, सेल, सेल का कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने से पहले, ये जो फर्स्ट पोर्शन हमने पढ़ा है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार क्वेश्चंस मैं आपके सामने दोबारा से यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बताइए। फिर हम पहले पोर्शन में जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन टाइप जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो थोड़े बहुत आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, ये लिख लिया सभी लोगों ने, पहले ये बता दीजिए कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने करे उनमें कोई प्रॉब्लम में अगर कोई आपको दिक्कत है तो मुझे बताइए। ये क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, कौन करंट को पास कराता है, चार्ज कैरियर कौन है, ये क्लियर है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तो वही क्वेश्चन है सेम। एक ये प्रॉब्लम बताई थी हमने, हमने कहा था कि दो तरीके की स्पीड है, एक का नाम क्या है थर्मल, एक का नाम क्या है ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले कौन सी है, थर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में ड्रिफ्ट, समझ में आ रही बात। और अगर एम के एस यूनिट का यूज करोगे तो एवोगैड्रो नंबर कितना लेना है, 6 × 10^26, ठीक है, क्लियर है ना। थर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3 kT अपॉन स्मॉल m, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है वहां पर, ठीक है। ये दो पॉइंट थे जो एक छोटे से क्वेश्चन थे, बताया था ना हमने आपको, क्या था इनका मतलब बेटा, कि करंट एकदम से कैसे एस्टैब्लिश हो जाती है और इतनी लार्ज अमाउंट में करंट क्यों पास होती है, ड्यू टू स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका नंबर काफी ज्यादा होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ये ड्रिफ्ट स्पीड निकालने वाला था, याद है ना बच्चों, जिसमें हमने वो फॉर्मूला लगाया था, वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टॉर्क अपॉन एम, ठीक है, ओके। ये कौन हल्का है कौन भारी है, लाइट और हैवी वाला बताया था, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने, कंप्लीट किया था नहीं किया, मतलब ऐसे कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग क्वेश्चंस ना करें बच्चों, ट्राई, कोई फायदा नहीं है मेरी तरफ से, मैं तो करा ही दिया बेटा एग्जाम, आप लोगों को देना है मुझे नहीं देना है। कौन हल्का है कौन भारी है, कौन हल्का निकला था, लाइटर कौन निकला, एल्यूमिनियम या कॉपर, ये हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। 3-4 प्रॉब्लम एक ही जैसी थी बिल्कुल, याद है ना, बताई थी हमने आप लोगों को, ओके।
कुछ इस तरीके के बन सकते हैं बेटा आपके ग्राफिकल प्रॉब्लम। ये कौन सा फिनोमिना है? सुपर कंडक्टिविटी। ये बताना है सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास में कोई मेटल है, आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटाने पर यानी मेटल को ठंडा करने पर रेजिस्टेंस कम भी होना चाहिए और ऐसा होता है। अगर आप किसी मेटल को ठंडा करते जाएंगे, समझ आ रही बात, उसका टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम करते 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 एक ऐसी फेज आ जाता है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो होगा उस टेम्परेचर को कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, मटेरियल को कहेंगे सुपर कंडक्टर, समझ आ रही बात, और ये फिनोमिना कहलाएगा सुपर कंडक्टिविटी। टेम्परेचर को कम करके रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को जीरो करना, वो हमारा सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना है। कौन दिखाता है सुपर कंडक्टिविटी? मर्क्यूरी। कितने केल्विन पर? 4.2 केल्विन पर। ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? नेगेटिव रेजिस्टेंस कब होगा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस कब होगा, बता रखा है हमने आपको, कहां ओम्स लॉ वेरीफाई होगा, कहां नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये सारे पॉइंट आपको बताए कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, याद है ना। रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा? चार, लंबाई, एरिया, टेम्परेचर और नेचर। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो पर, टेम्परेचर पर और नेचर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये कब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कब रेजिस्टेंस कम होगा, कौन सीरीज को दिखाएगा, कौन पैरेलल को दिखाएगा, किसका कंडक्टेंस ज्यादा है और किसका कंडक्टेंस कम है। क्लियर? ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बोल रहा हूं, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। देखो, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले ना तीन फैक्टर, चार फैक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, उनमें से काम के तीन ही, लंबाई, एरिया, टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंथ और एरिया के रिजल्ट। अगर हम किसी वायर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा कैलकुलेट करना है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं बेटा, जो आपको, जिससे आप प्रॉब्लम बनाएंगे। अगर आपने लंबाई को बढ़ाकर ओरिजिनल लेंथ का एन टाइम्स कर दिया है, आपने लेंथ को बढ़ाकर ओरिजिनल लेंथ के कितने टाइम्स कर दिया है, तो रेजिस्टेंस बढ़कर एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने लंबाई को एन टाइम्स किया है तो रेजिस्टेंस बढ़कर कितने टाइम्स हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और रेजिस्टेंस के अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा आपके पास में, वो होगा एन स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो बेटा, हमने लेंथ को 100% राइज कर दिया, 100% बढ़ा दिया। ओरिजिनली लेंथ 100% पर है, हमने 100 और बढ़ा दिया तो कितने पर पहुंच गई, 200 पर, 200 पर। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारे पास में न्यू लेंथ इज अ टू टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। जल्दी से बोलो, समझ में आया या नहीं आया। ओरिजिनली लेंथ 100% पर थी, 100% हमने और हाइक दिया उसके अंदर, कितना हो गया, 200% हो गया। परसेंटेज हटाया तो क्या बन गया हमारे पास में, एल डैश इज इक्वल टू 2L। बता सकते हो कि N की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ 2, कितनी है यहाँ पुट करेंगे, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर? और रेजिस्टेंस के अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना होगा आपके पास में, वो होगा एन स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। एन कितना है बेटा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, 3 × 100। रेजिस्टेंस के अंदर 300% का हाइक आएगा, ठीक है। बताइए समझ आया नहीं आया। प्रॉब्लम बनी आपके पास में कुछ ऐसे, हमने लेंथ को इंक्रीज किया है 10%, कितने परसेंट, हमने लंबाई को 10% इंक्रीज किया। अगर हमने लेंथ को 10% इंक्रीज किया तो ओरिजिनली लेंथ कितने पर थी, 100 पर, 10% हमने लंबाई बढ़ा दी उसके अंदर, कितनी हो गई लेंथ, 110% ऑफ L। जल्दी बताइए समझ आया नहीं आया। परसेंटेज हटाएंगे कैसे, 110 डिवाइडेड बाय 100 L। बेटा N की वैल्यू बताओ कितनी बन गई हमारे पास में, अरे L का जो कॉफिशियंट होता है उसे N बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 11/10। जल्दी बोलो समझ आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ओके। अब हमें बताना है कि रेजिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आएगा। जब आप उसकी लंबाई को चेंज करोगे ना बेटा, तो रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला ये है, एन स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। एन की वैल्यू बताइए कितनी है आपके पास में,
स्क्वायर करोगे 1 to 1 अपॉन 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आंसर इज 21%। यानी आपने तो लंबाई को 10% बढ़ाया, रेजिस्टेंस उसका बढ़कर कितना हो गया 21%, यानी रेजिस्टेंस उनका 21% इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो ये एकदम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। अगर यही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो उसने कहा कि लेंथ को हमने 300% राइज किया, हमने लंबाई को 300% बढ़ाया, 300% बढ़ाया, अगर वो कहता 300% तक बढ़ाया फिर 100 ऐड करने की जरूरत नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, उसने कहा 300% बढ़ाया और ओरिजिनली कितने परसेंट पर है 100, 300% और बढ़ा दिया, कितना हो गया 400%, परसेंट हटाओगे तो क्या बनेगा L डैश इज इक्वल टू, लंबाई हो गई है ओरिजिनल लेंथ के 4 गुने के बराबर। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां ध्यान से सुनो बिल्कुल, अगर लंबाई 4 गुने के बराबर हो गई है ना तो उसी वायर का एरिया हो गया है a/4। अगर लंबाई 4 गुना होगी तो एरिया a/4 रह जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, वॉल्यूम क्या रहना है और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बढ़ेगी। अरे कॉमन सी बात है यार, किसी वायर की लंबाई बढ़ेगी तो वायर पतला होगा या नहीं होगा, एरिया कम हो जाएगा, और अगर लंबाई घटेगी तो वायर क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। लंबाई अगर 4 गुना बढ़ गई तो एरिया 4 गुना कम हो गया। ठीक है, ये बताओ ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिखने का तरीका क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है रो एल अपॉन, क्लियर? क्या लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, यहां भी रो यहां भी रो, लंबाई कितनी हो गई है, एरिया कितना हो गया, जल्दी बताइए, समझ आया नहीं आया, ये 4 यहां से घूमकर कहां चला गया, 4 into 4 16, क्या बचेगा अंदर रो, यहां क्या है, यहां क्या है रो एल अपॉन ए आर, आर डैश इज इक्वल टू, बताइए समझ आया नहीं आया। और अगर आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, क्या निकालना है, तरीका होगा आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आर डैश कितना है बेटा, माइनस 16 आर माइनस आर 15 आर में से ये 15 बचा मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आया, जल्दी बताइए समझ आया या नहीं आया। ठीक है, ऐसे करेंगे आप प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में ना प्रॉब्लम ये आ गई कि एरिया को हमने 40% कम कर दिया है। ठीक है, बताओ पीहू 40% कम करने से कितना एरिया बचेगा आपके पास में, 40 कम कर दिया है तो कितना बचेगा, ओरिजिनली कितने पर होगा 100 पर, 40 कम कर दिया 60 बचा, एरिया को हम क्या लिख पाएंगे, एरिया को हम लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू 60% हटाएंगे 100 और ये ए, जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया, एरिया हो गया 3/5 ए, हो गया 3/5 ए। अगर एरिया 3/5 हो गया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 5/3 एल, क्योंकि एरिया और लेंथ कांस्टेंट रहने हैं, एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना है। क्लियर, एनी डाउट, ओके। सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन इक्वेशन नंबर आर डैश, क्या एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, यहां क्या आएगा एल डैश, क्या आएगा नीचे क्या आएगा ए डैश, एल डैश कितना है 5/3 एल, ए डैश कितना है 3/5 ए, जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया, 5 की मल्टीप्लाई 5 में कितना हो गया 25, 3 into 3 ओके, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताओ क्या लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 25/9 आर, हो गया। परसेंटेज चेंज निकालना है, कैसे निकालोगे परसेंटेज चेंज मुझे ये बताइए, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम किसी को, कर लोगे आराम से, नोट कर लो, एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करना भी।
हो गया, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता देना मुझे, ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास में कुछ ऐसी कि एक वायर का जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, लिख दूं मैं यहां पर, ओके देखो बेटा, एक वायर का जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमें दिया है वो है 20 ओम, ठीक है, यह है ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अगर उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 20 ओम है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू रो एल अपॉन, हमने लेंथ को 30% कम कर दिया है, लेंथ को 30% क्या कर दिया, तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। ये है प्रॉब्लम आपके पास में, लेंथ को हमने, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं, लंबाई नहीं पूछ रहा हूं, लेंथ को हमने 30% कम कर दिया है तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा आपको ये बताना है। बताओ वंशिका क्या, लेंथ को 30% हमने कम किया है तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 30% फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 30% फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हो गया अनुष्का, क्या आंसर आया, एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ को हमने 30% कम किया तो कितना रह गया, 70/100, यानी ये एरिया कितना हो गया, 10/7a। जल्दी बोलो, समझ आया नहीं आया, इसी से करना है, कभी बोर्ड में वो एन वाला फॉर्मूला पेल के आ जाओ, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, तरीके के साथ करना पूरा। बोलो बोलो, नहीं नहीं करना है उससे, वो सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में अगर आ जाता है तब करना है आपको। आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश की वैल्यू कितनी है, 7/10L, और ये कितना है, 10/7A, ठीक। सो आर डैश इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 49/100, और ये रो, ये एल, ये ए, इसे हम लिख देंगे आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 20। निकला किसी का आंसर, ये आंसर क्या निकलेगा, 9.8 ओम, ये निकला है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ जल्दी से, नहीं है, ठीक है, बस ऑलमोस्ट काम फिनिश हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और है और फिर आगे बात करते हैं। देखो बेटा, एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाकर लिख देना, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, देखो बात सुनो, टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टिविटी तो कम होगी और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, समझ में आ रही बात, तो एक कम होगी और दूसरी बढ़ेगी, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या टेम्परेचर को घटाओ, प्रोडक्ट के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्लियर, ओके। देखिए अब जितना पोर्शन हम लोगों ने तैयार किया है, इस पोर्शन में आपको क्या क्या रेडी करना है, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, देखो यार जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसे पहले पढ़ लें अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए आप लोगों से। नंबर टू, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, NEA इज इक्वल टू VD, ठीक है, I इज इक्वल टू NEA VD। नंबर तीन है हमारे पास में, सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू, सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये जरूर आना चाहिए आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, ये इसी का दूसरा नाम है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ
ओम्स लॉ, जो ग्राफ मैंने बनवा रखे हैं इसके अंदर, वो आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस और उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक है, और फाइनली लास्ट रेजिस्टिविटी और उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक है, ये है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करने हैं थियोरेटिकल टॉपिक, ठीक। ओके, तो मैं ये समझू कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन रेडी हो गया आप लोगों का, ये सारी डेरिवेशंस पढ़ लेना आप अच्छे से, अगर मेरे पास में बाद में समय बचेगा तो उसमें फिर हम लोगों को बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी है कि इनमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक हैं ये डेरिवेशंस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू, जो इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन है, वो हम स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, ठीक है, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू, वहां आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट, इसके कंपोनेंट में जानते हो क्या क्या आता है, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नंबर टू है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, भैया यहां से इस साल एक क्वेश्चन पक्का आना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए या डेरिवेशन आ जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है यहां सेल का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस पर मार्क कर लीजिएगा, ये आप लोगों को दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, बढ़े आगे, नंबर थ्री, नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ, क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, लिखने के लिए कभी किरचॉफ्स लॉ नहीं आते हैं, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने, बहुत इजी है, अगर एक बार आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है, बहुत आसान है किरचॉफ्स लॉ। हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में से एक डिवाइस पर आपको एक सवाल जरूर मिलने वाला है बच्चों, क्या तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर मिलेगा या मीटर ब्रिज के ऊपर आपको मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये आपको थियोरेटिकल टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, यहां से जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ये सब आपके थियोरेटिकल टॉपिक है जो आप लोगों को यहां से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है।